एक एक बन बाय बन पेज करो यार, एक साथ मत उठाओ, बन बाय बन। एंड द गोस्ट यू मिलिट एंड द ए फॉर एंड द बर्ड इज मेंट बाय यार। व्हाट डू दिस एंड द गोस्ट स्लीप ऑन द नाइट and because and the ghost meet wow and the mat you meet her get a waiter it and the ghost you meet and the dot my boss and ghost you and वाह इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी बेटा आपने? आपको कैसे आती है यार इतनी अच्छी इंग्लिश? नहीं नहीं आप वीडियो में बताओ ना, सबको पता भी तो चलना चाहिए आपने। मैं मेरी मैम ने इतनी फास्ट इंग्लिश और इतनी सही, ऐसे कैसे मतलब? तुम भी कोई ना स्टोरी ले लेके पढ़वाया करो। किसको पढ़वाना है ये स्टोरी बुक? बाय बेटा तू इतनी स्पीड से इंग्लिश बोल लेता है यार, वो भी एकदम सही सही। चलो आधा उसे पढ़ते हैं। एक ही दिन में सीख गया इतनी इंग्लिश? सही सही पढ़ना बेटा। वाओ इतनी स्पीड से भी पढ़ लेता है। ऐसे ही लिखा है ना इसमें? वाह यार तुझे पता है क्या लिखा रहता है? जोर से बोलो बेटा, पब्लिक को सुनाना भी चाहिए। स्लीपिंग कर रही, क्या कर रही है? गॉड इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे सीख सकता है इतना छोटा बच्चा। वेरी गुड बेटा, आई एम सो सो हैप्पी आप इतने स्पीड से इंग्लिश। स्केरी करके भी बताओ कैसे स्केरी होता है। अच्छा ऐसे स्केरी। एंड द गोस्ट वी नेम इट रेट रेट एंड द गोस्ट यू नीड रेट एंड द बॉबी रेट रेट गुड बाय। स्टोरी क्या किसकी थी ये, मतलब इसमें था क्या स्टोरी का मतलब, मतलब क्या हुआ क्योंकि मुझे तो इतनी इंग्लिश आती नहीं बेटा, आपको बताना पड़ेगा क्या आखिर इसमें हुआ क्या है, थोड़ा हिंदी में बता दो। इसमें हुआ है फायर लग गई थी है इनके घोंसले में। फिर घोंसला फिर पांच बार डाल दिया और ना घोंसला
उससे क्या हुआ? उससे ना वो फायर बुझ गई। फिर वो घोस्ट आई, उसका भी तो कुछ बताया था। फिर घोस्टला ना घोस्टला धीरे धीरे सूख रहा था, जब तक ही ना हेलन ने उसके घर में सो गया था। किसके? वो लड़के के। नहीं तो कुछ घोस्ट कुछ रात को कुछ आया था क्या? रात को कोई नहीं आया था। अरे उसमें तुमने बताया था ना कोई घोस्ट घोस्ट ऐसा कुछ बोल रहे थे। यार मेरे को ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं ना बेटा, आपने आपको जितनी स्पीड से आती है उतनी स्पीड से तो मैंने आज तक नहीं पढ़ी बेटा, लेकिन आप इतने छोटी उम्र में इतनी ये घोस्ट ऐसा कुछ तो दिख रहा हो, तुमने कुछ पढ़ा था? ये क्या है? क्या ये कौन आया है इसके इसमें? ये लड़का जो है घोस्ट, बताओ घोस्ट मतलब जिसने ना घोसले को जलाया है। क्यों जलाया? क्यों था? उसको लगा जो घोसले में कौन नहीं था उसको जला ही देता। अच्छा तो इस स्टोरी से क्या आपको सीखने को मिला, मतलब आप इस स्टोरी का मोरल क्या है, सीखने को क्या मिला? मोरल है मोरल मतलब जो 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 वो डरावनी स्टोरी है। गुड बाय। चलो आपके फ्रेंड्स को गुड नाइट बोल दो। आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। आप ऐसे सीख सकते हो। अरे अच्छे से बोलो ना यार, वो फिर वीडियो बेकार हो जाएगा। एंड अब टू अब आपके फ्रेंड्स को बोलो गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो आपके फ्रेंड्स को।